नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की। दोस्तों इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये रोचक तथ्य बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक वीडियो में कवर करने पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊँची चोटी है जिसके शीर्ष पर पहुँचने का सपना हर माउंटेनर का होता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं आपको माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताऊंगा जिसको आप पढ़कर और सुनकर हैरान रह जाओगे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अब तक 5000 पर्वतरोही चढ़ चुके हैं जिसमें 13 साल के बच्चे से लेकर 76 साल के बुजुर्ग तक चढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर 200 से अधिक लोग मर चुके हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त अब पर्वतरोही के निशान के रूप में काम आते हैं। 2013 में युचिरी नामक एक 80 वर्षीय जापानी बुजुर्ग ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर एवरेस्ट पर सबसे बुजुर्ग आदमी के चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। माउंट एवरेस्ट पर 50 टन से भी ज़्यादा कचरा पड़ा है जो इसे विश्व का सबसे गंदा पर्वत बनाते हैं क्योंकि पर्वतारोही नीचे उतरते वक्त कचरा वापस साथ नहीं लेके आते हैं और वहीं छोड़ाते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो हर 100 पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं उनमें से 4 की मौत हो जाती है और वापस कभी लौटकर नहीं आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खर्च 1,00,000 से लेकर 4,00,000 प्रति व्यक्ति पड़ता है जो रिस्क के आधार पर और पर्वतारोहियों की सुविधा के आधार पर बढ़ता चढ़ता रहता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 71 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक आदमी अपनी बाइक पर स्वीडन से माउंट एवरेस्ट तक आया और उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन चोटी से 300 फीट नीचे ही उसको वापस लौटना पड़ा। माउंट एवरेस्ट हर 4 साल 4 मिलीमीटर की दर से वृद्धि कर रहा है। माउंट एवरेस्ट के रास्ते में अब आपको कई हाई स्पीड इंटरनेट भी मिल जाएंगे। 2011 में 2 आदमी माउंट एवरेस्ट की चोटी से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आए। वो दोनों एक गांव में 42 मिनट में पहुंच गए जिससे वो खतरनाक 3 दिन की नीचे उतरने की प्रक्रिया से बच गए थे। 2015 में आए भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट 1 इंच तक सुकुड़ गया है। माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। 2005 में एक नेपाली जोड़े ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शादी करके एक नया इतिहास कायम किया था। गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू में आपको एवरेस्ट बेस कैंप का 360 डिग्री नज़ारा देखने को भी मिल जाएगा। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये 19 मई 1953 को कारनामा करके दिखा दिया था। तेंजिंग नॉर्गे की एवरेस्ट पर विजय से पहले 6 बार वह असफलतापूर्वक प्रयास कर चुका था। एडमंड हिलेरी और उनका पुत्र पीटर हिलेरी 1990 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पिता पुत्र की जोड़ी थी। एक भारतीय महिला जिसने अपना एक पैर रेल दुर्घटना में गंवा दिया था एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी। बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे तेजी से 8 घंटे 10 मिनट में पहुंचा गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वालों में सबसे ज़्यादा मौत का कारण हिमस्खलन होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पत्थर जलीय लाइमस्टोन है जिससे अनुमान लगता है कि 450 मिलियन पूर्व एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल के नज़दीक थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। नेपाल के रास्ते साउथ ईस्ट चोटी से तथा तिब्बत के रास्ते नॉर्थ चोटी से जाया जा सकता है लेकिन तिब्बत वाला रास्ता ज़्यादा कठिन और खतरनाक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त गर्मियों में तापमान -20 डिग्री से लेकर -35 डिग्री तक बदलता रहता है। माउंट एवरेस्ट पर हवाएं 200 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो में मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताए और ये वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे पार्ट में बड़े इंटरेस्टिंग रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।